हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो मैंने करी थी अपने सोनी के, जो मैंने सोनी का बार लिया हुआ है, सोनी HS20R, उसका मैंने सेटअप दिखाया था कि मैंने कैसे इसे लगाया है, कितने कितने हाइट पे लगाया, सब वूफर कहाँ पे रखा है, बार कहाँ लगाया है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि सराउंड स्पीकर के आपके ओरिजिनल मज़े लेने ना, मतलब ओरिजिनल फील वो कब आएगी, वो तब आएगी जब इसकी आप सेटिंग पे करोगे। मैंने पहले सिर्फ इसको लगा दिया था, वॉल पे हैंग कर दिया था, तो फील नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने क्या करा है, कुछ सेटिंग पे चेंजेस करा है, वो सेटिंग आप करो, आप देखो साउंड बार की भूल जो बात, सराउंड साउंड की आपको ओरिजिनल फील आएगी। कैसे आएगी मैं आपको सेटिंग सिखा दे रहा हूँ कैसे करनी है, क्योंकि ये सेटिंग लोग नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। तो मैंने खुद बहुत सारे पंगे लिए थे तो मुझे पता लग गया। तो अभी मैं आपको सेटिंग दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप सेटिंग देख लो, एंड सेम सेटिंग आप भी कर लेना, उससे सराउंड साउंड की स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैंने इसे ऑन कर दिया है और ये अब ऑन हो चुका है, इस पर डिस्प्ले आ जाता है। तो इसे हम यहाँ से इनपुट वगैरह जो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो आप टीवी पे आ जाओ, किसी पे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस पर आप देख सकते हैं मेन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, ये मेन्यू पे क्लिक करना है और तो उस पर करंट स्पीकर आ रहा है, इसमें ऊपर नीचे करके स्पीकर में जाएं, स्पीकर में जाने के बाद एंटर करें, एंटर करोगे तो यहाँ पे मल्टी आएगा, ठीक है, सराउंड लेफ्ट आएगा, इस पर आप जाके एंटर करना, एंटर करोगे तो ये आपका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं 9 मीटर, ठीक है, ये 8 मीटर। तो इसको आप क्या करना, इस पर रखना, ज़ीरो पे, A0 नहीं, 9 पे रखना है। अगर आप 9 पे रखोगे तो आपका मतलब कि जो सूफ आप देख सकते हैं, सराउंड साउंड मैंने दूर रखा है ना, सराउंड स्पीकर, तो उसका ये डिस्टेंस एडजस्ट करता है। तो इसे हमें दूर रखना होगा, मतलब 9 मीटर, और जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाले को मैंने कर दिया। अब राइट को आप देख सकते हैं, राइट को भी मैंने, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने 9 मीटर को कर दिया। अब क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया सराउंड स्पीकर, तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर लेगा, तो उस हिसाब से ये आवाज़ को डिलीवर करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सराउंड का। अब आपको मैं एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका सब वूफर, ये हमारे सब वूफर की है, यहाँ से इसका बेस एडजस्ट होता है। बेस को आप 12 पे ना रखें, मैं इसके बेस को रखता हूँ 10 पे, क्योंकि 10 इनफ है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद ये जो नाइट वाला ऑप्शन आ रहा है, नाइट को आप हमेशा ऑन रखें, क्योंकि ये नाइट को ऑफ रखोगे तो आवाज़ अच्छी आएगी। वॉइस को आप ऑफ रखें, ठीक है, और ये साउंड क्वालिटी को हमेशा ऑटो पे रखें, क्योंकि ऑटो क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने साउंड गाने के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है वूफर, क्योंकि इसका वूफर बहुत ही इंटेलिजेंट सेंसर वाला है, इस पर बहुत सारे सेंसर है, मतलब सेंसर तो नहीं बोलूँगा, इंटेलिजेंस इसकी इतनी है कि ये गाने के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि कैसा आउटपुट हमें रिलीज़ करना है। बाकी इसके बटन्स वगैरह की मैंने वीडियो करी है, पूरी टच वाले बटन है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, मैंने सेटिंग की करी थी इसकी वीडियो, तो अच्छी लगती लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।